हेलो फ्रेंड्स, सनमास एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का एक सम। द स्टेटमेंट गिवन इज अ लाइन एम एन हैज इट्स एंड एम इन एच पी एंड वी पी, द अदर एंड इज 75 mm अबाव एच पी, द प्लान लेंथ ऑफ द लाइन इज 80 mm लॉन्ग एंड इज इंक्लाइंड 45 degrees टू द ग्राउंड लाइन। ड्रॉ द प्रोजेक्शन of line MN and find true length theta and phi. Now friends, the data is given as under, which is in HP and in VP. The N is 75 mm above HP. Plan length is equal to 80 mm and beta is equal to 45 degrees. तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे XY लाइन। उसके बाद एक प्रोजेक्टर बनाया, उसके बाद पॉइंट एन इज 75 mm अबाव एच पी। तो यहाँ पे लोकस बन गया। उसके बाद पॉइंट एन विच इज लेट से इन एच पी, यानी कि ये जो पॉइंट हमारा होगा दैट इज इक्वल टू एम डैश। और फ्रेंड्स यहाँ पे एन इज इन वी पी, यानी कि एन पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे लोकस होगा, मानी एक्स वाई लाइन जो है वही हमारा लोकस है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है वहाँ पे हमारा एन होगा एक्स वाई पे, यानी कि प्लान हमारा एक्स वाई पे होगा। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, बीटा 45 लेना है। तो यहाँ से हम लोग कितना एंगल लेंगे, यहाँ से जो एंगल होगा दैट इज इक्वल टू 45, और प्लान की लेंथ कितनी है, प्लान की लेंथ है हमारी 80। तो यहाँ पे हमको कुछ इस तरह से एक लाइन सेट करनी है जिसकी लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे फ्रेंड्स 80। सो दिस इज इक्वल टू प्लान। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट हमको मिलेगा फ्रेंड्स दिस इज इक्वल टू एन। तो ये हमारा दूसरा प्रोजेक्टर यहाँ पे बन गया, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट मिलेगा दैट इज इक्वल टू एन डैश, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट हमको मिलेगा दैट इज इक्वल टू लेट से एम। ये एंगल हमने कितना बनाया दैट इज इक्वल टू 45 degrees। अब एम डैश और एन डैश को जोड़ती हुई जो लाइन है वो हमारी बनेगी एलिवेशन की लेंथ। ये हमारा बन गया एलिवेशन। अब फ्रेंड्स दो में से कोई एक व्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल, मतलब दिस इज अ पैरेलल प्लान। अब फ्रेंड्स यहां से हमको एक आर्क लगाना है ऐसे, उसके बाद ये वर्टिकल जो लाइन बनेगी ऊपर ये पर्टिकुलर लाइन हमको जो मिलेगी दैट इज इक्वल टू टू लेंथ। तो ये एम डैश होगा और यहाँ पे जो लाइन मिलेगी दैट इज इक्वल टू एन डैश टीएल। इसको हम लोग बोलेंगे एन डैश, इसको बोलेंगे टू लेंथ। ये जो हमारा एंगल कितना था, तो ये जो हमारा एंगल था फ्रेंड्स दैट इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू 43 degrees। सो वन ऑफ माई आंसर इज थीटा इज इक्वल टू, ये बनेगा फ्रेंड्स हमारा 43 degrees। तो ट्रू लेंथ हमारी यहाँ पे मिलती है 110। उसके बाद यही लेंथ लेना है आपको 110, और 110 का आर्क हमको यहाँ से लगाना है। तो यहाँ से 110 का आर्क आप लगाओ, ये हमारा एक आर्क यहाँ पे हुआ।
यानी कि ये जो हमने आर्क लगाया यहाँ पे ऐसे, ये जो पॉइंट देगा हमको एन टी एल, और ये जो पर्टिकुलर एंगल है दैट इज इक्वल टू 30. तो ये जो पर्टिकुलर एंगल मिला दैट इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू हमको कितना मिला यहाँ पे फ्रेंड्स, तो हमको यहाँ पे मिला 30 डिग्री. उसके बाद ये जो पर्टिकुलर एंगल है वो मेरा क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू 43. अल्फा मेरा कितना बनेगा यहाँ पे, तो अल्फा इज 54. तो अल्फा इज इक्वल टू 54 डिग्री. तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम लोग ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस टाइम.